हाय, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक एंड फन में। तो आज से हम अपना सिमेटिक माइनर का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिमेटिक माइनर में हार्डवेयर कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है और उसमें प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है और उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। तो इस आज के इस हमारे पहले वीडियो में हम सिमेटिक मैनेजर क्या है, वो कहाँ पे यूज होता है और उसमें हार्डवेयर कंफिगरेशन कैसे किया जाता है और न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सीखेंगे। तो बेसिकली सिमेटिक मैनेजर एक सीमेंस का सॉफ्टवेयर है जो कि पीएलसी प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ दो सीरीज के पीएलसी के लिए यूज होता है, एक है S7300 का सीरीज और दूसरा जो है वो S7400 का सीरीज। उसी के साथ सिमेटिक मैनेजर जो है सीमेंस का डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम है जिसे हम DCS कहते हैं, वो PCS7 जो है सीमेंस का उसमें भी यूज़ किया जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज न्यू प्रोजेक्ट क्रिएशन और हार्डवेयर कंफिगरेशन के साथ। तो यहाँ पे फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करना है या फिर आप कंट्रोल एन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका हम नाम देते हैं सीमेटिक ट्यूटोरियल। इसके बाद जो भी हमारा प्रोग्रामिंग होगा वो इसी प्रोजेक्ट में होगा। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अभी हमें यहाँ पे स्टेशन ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे हम जाके अगर राइट क्लिक करके इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट में जाइए तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जहाँ पे सीमेटिक 400 स्टेशन है जो कि S7400 PLC के लिए यूज़ होता है। S7300 स्टेशन ये S7300 PLC के लिए यूज़ होता है। वैसे सिमेटिक एस स्टेशन जो कि हॉट स्टैंड बाय या फिर हम इसे रिडंडेंट सिस्टम कहते हैं उसके लिए होता है। उसी तरह नीचे बहुत सारे PC स्टेशन हैं, अदर स्टेशन, सिमेटिक S5 जो कि पुराना PLC था, वैसे PGPC MCI ये प्रोटोकॉल भी है, तो उनके लिए उनके स्टेशन भी हम ये ऐड कर सकते हैं। तो हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे S7300 के साथ। यहाँ पे सिमेटिक 300 का स्टेशन यहाँ पे ऐड हुआ है और यहाँ पे हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं दिखता है क्योंकि हमारा अभी तक हार्डवेयर हमने इसमें कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो हार्डवेयर कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें यहाँ पे हार्डवेयर पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें हम अपना हार्डवेयर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं HW config सिमेटिक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन सिमेटिक ट्यूटोरियल, एक प्रोजेक्ट का नेम है HW config मतलब हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ब्लैंक है। अभी हमें यहाँ पे रैक ऐड करना पड़ेगा। रैक जो है वो जिस पे हम रैक मतलब वहाँ उस पे हम PLC माउंट करते हैं उसे बोलते हैं हम रैक। 300 के लिए एक ही सिंगल रैक है जिसे हम UR या फिर यूनिवर्सल रैक भी कहते हैं। अगर 400 में देखेंगे तो 400 में UR ऐसे अलग टाइप है। तो ये क्या है ये मैं आपको एक नया वीडियो बना के आपको उसमें बताऊंगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। हमने यहाँ पे रेल ऐड कर दिया, UR यहाँ पे ऐड हो गया है। इसमें हम देख सकते हैं टोटल 11 स्लॉट है जिसमें हम पावर सप्लाई ऐड कर सकते हैं, PLC और PLC के साथ उसके IO मॉड्यूल या FM मतलब फंक्शन मॉड्यूल या फिर CP जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेसर हम उसको कहते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्लॉट में कभी भी पावर सप्लाई इंस्टॉल होता है। हम यहाँ पे पावर सप्लाई ब्राउज करेंगे PF। यहाँ पे पावर सप्लाई के भी बहुत टाइप्स है, आपको आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से पावर सप्लाई सिलेक्ट करके इसमें वो ऐड करना पड़ेगा। अभी के लिए हम 5 एम्पर का पावर सप्लाई सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पावर सप्लाई ऐड हो गया फर्स्ट रैक में। अब सेकंड स्लॉट में हम PLC ऐड करेंगे जिसे बोलते हैं CPU 300। CPU 300 में भी सीरीज में बहुत सारे CPUs है जैसे कि 312 है, 313 है, 314, 315, 316,
7 7 3 1 8 3 1 9 और ये 6 1 4। 3 1 2 जो है वो बहुत पुराना पीएलसी है, तो हम स्टार्ट करेंगे 3 1 5 2 पीएमडीपी के साथ। पीएम मतलब प्रोफिनेट का ही शॉर्ट फॉर्म है और डीपी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिफेरल। अब हमें एक विंडो पॉपअप करेगा जो कि हमें पूछेगा कि हमें प्रोफिनेट नेटवर्क ऐड करना है कि नहीं। तो प्रोफिनेट नेटवर्क हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर सपोज हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड आईओज है जो कि इथरनेट पे या प्रोफिनेट पे हम पीएलसी के साथ कम्युनिकेट करवा रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक इथरनेट नेटवर्क लगेगा। तो इसके लिए ये पॉपअप है कि हम इसमें ऐड करेंगे या नहीं। तो अभी के लिए तो हम नेटवर्क ऐड करेंगे क्योंकि हम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड आईओ कैसे कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। तो हमारे इथरनेट नेटवर्क यहाँ पे ऐड हो गया है। अब नीचे के जो स्लॉट है उसमें हम चाहिए तो हम सिटी कार्ड लगा सकते हैं या फिर इनपुट आउटपुट कार्ड लगा सकते हैं, जैसे कि डिजिटल इनपुट है, डिजिटल आउटपुट है, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट। तो हमें वो सब एसएम में हमें एआई मॉड्यूल, एओ मॉड्यूल सब मिल जाएंगे। सपोज हम डीआई मॉड्यूल हमें ऐड करना है, तो सपोज हम 16 DI का कार्ड ऐड कर रहे हैं जो कि 24 होल, जिसका मॉडल नंबर है SM321 DI16 DC24 होल, मतलब ये 24 होल्ड का डीआई मॉड्यूल है। हमने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया। सपोज हमें एआई ऐड करना है तो हम एआई भी ऐड कर सकते हैं। एआई में भी अलग अलग टाइप्स है, मतलब 12 बिट रिजोल्यूशन, 13 बिट रिजोल्यूशन, 16 बिट रिजोल्यूशन। तो हम सपोज 12 बिट रिजोल्यूशन का यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो हम ऐसे इसमें नीचे मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं। अब हमने जो इथरनेट नेटवर्क ऐड किया है तो उससे हम अपने डिस्ट्रीब्यूटेड आईओ लगा सकते हैं, जैसे कि इंटरफेस मॉड्यूल हो गया। तो इंटरफेस मॉड्यूल क्या करता है, सपोज आपके पास बहुत सारे आईओज है, सपोज 400 300 600 500, ऐसे इनपुट आउटपुट का आपका एक बड़ा सिस्टम है, तो आप सभी कार्ड यहाँ पे नहीं डाल सकते। तो आपको ऐड करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड आईओ का सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें हम अपने आईओ ऐड कर सकते हैं और वो आईओ हमारे पीएलसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो उन आईओ को पीएलसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उसमें बीच में कुछ डिवाइस है जो कि इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन करवा सके, उसको बोलते हैं हम इंटरफेस मॉड्यूल। तो वो बेसिकली इन दोनों के बीच में इंटरफेसिंग का काम करता है। वो हमें प्रोफिनेट आईओज में मिल जाएंगे। हम प्रोफिनेट आईओज में देख रहे हैं क्योंकि हमने इथरनेट या प्रोफिनेट सिस्टम ऐड किया है। अगर हमारा यहाँ पे प्रोफिबस सिस्टम या फिर प्रोफिबस नेटवर्क होता तो हम प्रोफिबस डीपी में वो मॉड्यूल देख सकते थे। वहीं प्रोफिनेट आईओ में हम आईओ मॉड्यूल को ब्राउज करेंगे। यहाँ पे भी ET200 के बहुत सारे सीरीज है, जैसे कि ET200AL, ET200M, MP Pro S। तो हम ET200S में IM151-3PN को सिलेक्ट करते हैं, इसे हमें ड्राइव करके यहाँ पे नेटवर्क पे ड्रॉप करना है। तो ये हमारा IM151-3 ये मॉड्यूल आ रहा है। अब इसका हम नेटवर्क सेटिंग भी देख सकते हैं, जैसे कि इसका डिवाइस नंबर है 1, आईपी एड्रेस है 192.168.0.2। चलिए तो हम इसे चेंज भी यहाँ पे कर सकते हैं। डिवाइस नंबर हमें यूज होता है मॉड्यूल के डायग्नोस्टिक के लिए या फिर उनका स्टेटस जानने के लिए हम डिवाइस नंबर का यूज करते हैं, लेकिन हम आगे बार एडवांस प्रोग्रामिंग में जरूर सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने ये आईएम मॉड्यूल ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमें एक आईएम मॉड्यूल के लिए 63 स्लॉट मिल जाएंगे, यानी कि हम 63 कार्ड इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें कंबाइन होगा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल या आपके सीपी कार्ड भी ऐड होंगे, आपके पावर मॉड्यूल जो कि आपके आईओएस का पावर प्रोवाइड करते हैं वो भी ऐड होंगे। तो हम वन बाय वन देखेंगे। तो कभी भी बेसिकली स्टार्ट फर्स्ट मॉड्यूल से स्टार्ट करते वक्त
आपको हमेशा पावर मॉड्यूल ही रखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे पावर मॉड्यूल। उसके बाद सपोज अगर मुझे डिजिटल इनपुट कार्ड ऐड करना है, तो ये 4 DI का कार्ड है, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप ऐसे खींच के भी डाल सकते हैं हर एक, या फिर आप सिर्फ डबल क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं। इसे डबल क्लिक करूँगा वो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 ऐड कर दिए। तो इसके बाद हमें और एक पावर मॉड्यूल लगेगा। सपोज मेरे सिस्टम में अगर AI भी है, तो मैं यहाँ पे AI भी ऐड कर सकता हूँ। सपोज तो मैंने ऐड कर दिया। आप ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स नीचे में ऐड कर सकते हैं। तो 63 मॉड्यूल्स आप ऐड कर सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ पे एक से ज़्यादा IMB ऐड कर सकते हैं। सपोज मेरे सिस्टम में VFD ड्राइव है, वो सिनेमिक G120 240। तो मैं यहाँ पे सिनेमिक का ड्राइव भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा बेसिक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसको कंपाइल करके सेव करेंगे। जब हम इसको हम कंपाइल करते हैं, तो ये सिस्टम डेटा वगैरह जनरेट करता है। ये कंपाइल हो गया और इसने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दिया है। अब हम इसको विंडोज को क्लोज करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे PLC ऐड हो गया और उसके ब्लॉक भी ऐड हो गया। तो OB1 आ गया है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 1, जो कि मेन ब्लॉक रहता है, वो भी क्रिएट हो गया है। तो होप यू गाइस, आपको हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है और नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसमें हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, आपको समझ आ गया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रोग्रामिंग। थैंक यू।